बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पीएचपी का जो इंट्रोडक्शन है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। हम जो है एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे पीएचपी से, पीएचपी की, उसके बाद उसकी वेबसाइट बनाएंगे डायनेमिक। ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। व्हाट इज़ पीएचपी? पीएचपी जो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये जो है ये न्यू है, ठीक है। जो ओल्ड थी वो है पर्सनल होम पेज। इसकी फुल फॉर्म जो है पहले, अच्छा ये जो हाइपर टेक्स है ये रिकर्सिव है, सही। स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में फ़र्क क्या है? स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो फ्रंट हैंड पे, फ्रंट हैंड होता है जिसपे, फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन के हवाले से जो वेबसाइट्स होती हैं वो स्टैटिक वेबसाइट होती हैं, सही है। और डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जिसपे बैकहेंड से, बैकहेंड पे कोडिंग की जाती है, जिसमें यूज़ होती है पीएचपी, जावा, पीएचपी हो गई, रूबी, पाइथन, जावा, इस तरीके एंड मोर वेबसाइट लैंग्वेजेस होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ अ पीएचपी फाइल? पीएचपी क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा, ये पीएचपी का कोड जो होता है एग्जीक्यूट होता है सर्वर पर, ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आता है ब्राउजर पे आता है एज अ प्लेन टेक्स्ट, सही। पीएचपी की फाइल की एक्सटेंशन जो होती है वो डॉट पीएचपी होती है। अच्छा, व्हाट कैन पीएचपी डू? क्या कर सकते हैं पीएचपी से? पीएचपी कैन जनरेट करता है डायनेमिक पेज, डायनेमिक पेज कंटेंट, और पीएचपी कैन क्रिएट, ओपन, रीड एंड राइट, डिलीट। इस तरह से हम पीएचपी के थ्रू सर्वर से रीड राइट डिलीट डेटा कर सकते हैं। पीएचपी कैन कलेक्ट डेटा, पीएचपी से डेटा कलेक्ट करते हैं हम, सर्वर से कलेक्ट करना हो या किसी वेबसाइट से तो पीएचपी के थ्रू किया जाता है। पीएचपी कैन सेंड करता है और रिसीव करता है कुकीज़, यूज़र की कुकीज़ होती है। इस तरीके से कुकीज हम रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। पीएचपी कैन डेटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं डेटाबेस से, ठीक है। जहाँ ये बात जो हुई थी हमारी, सर्वर से भी कर सकते हैं और डेटाबेस से भी। पीएचपी कैन बी यूज टू कंट्रोल यूजर का एक्सेस, पीएचपी से हम एक्सेस भी यूजर का क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यूजर का, जो कंट्रोल मतलब डेटा वगैरह होता है, इस तरीके से हम पीएचपी के थ्रू एक्सेस किया जाता है। पीएचपी कैन एनक्रिप्ट डेटा, इससे इनक्रिप्ट भी किया जाता है डेटा को। अच्छा, लास्ट जो है हमारी, इसमें देख लेते हैं आप लोगों क्या नो हाउ होनी चाहिए पीएचपी के लिए, पीएचपी पढ़ने के लिए। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये आप लोगों को आनी चाहिए, सही है। ज़्यादातर इतना यूज़ नहीं होता इसका, जावास्क्रिप्ट का आप लोगों को ऑप्शनल है, मतलब थोड़ी बहुत आनी चाहिए, नीड होती है ये इसकी भी। और HTML CSS, तो HTML से आप लोगों को मैंने HTML की भी सीरीज बनाई हुई है और CSS की और JavaScript भी, तो इसकी प्लेलिस्ट आप लोग चेक करें, ठीक है। इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।